हेलो लर्नर्स, माइस्टर डॉक्टर ललित। आज मैं आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गुरुकुल। तो इस यूट्यूब चैनल में मैं आज आपको पहला लेसन बताऊंगा। जो पहला लेसन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आज मैं आपको यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करी जाए, उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए, उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट पेपर को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पेपर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की जाती है उसमें, और उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियोज़ आपको इसमें अपलोड करूँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज मैं आपको लैपटॉप में बताऊँगा कि क्या क्या तरीके हैं, आप कैसे पर्टिकुलर यूनिट को, पर्टिकुलर फर्स्ट पेपर की यूनिट को आप कितना टाइम देके आप यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सब बच्चे आजकल 2020 में जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें नया पैटर्न, उसमें सिलेबस भी थोड़ा बदला है, और सबसे मेन है कि उसमें एग्ज़ाम देने का पैटर्न बदला है, कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम या कंप्यूटराइज बेस्ड एग्ज़ाम वहाँ पर करा रहे हैं इस बार यूजीसी। तो उसमें आप कैसे, किस तरीके से आप क्या मेथड यूज़ करेंगे तैयारी करने के लिए, क्या क्या तरीके यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो मैं आज आपको लैपटॉप में बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट के बारे में। इसमें सबसे पहले जब भी कोई भी बच्चा यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने जाता है, उससे पहले उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं लेके आया हूँ, इसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में अराइज होता है वो ये कि व्हाट इज़ एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 एग्ज़ाम, क्योंकि अभी जून में एग्ज़ाम होना है, तो इसमें जून 2020 एग्ज़ाम लिख दिया है। तो सबसे पहले एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले क्या होता था, जब मैंने नेट का फॉर्म फिल किया था जब शुरू में, उस समय यूजीसी कंडक्ट कराता था नेट का एग्ज़ाम। उसके बाद क्या हुआ, जब ऑब्जेक्टिव मेथड से एग्ज़ाम होने लग गए, फिर सीबीएसई कराने लग गया, अब इन्होंने एक नया एनटीए बना दिया है। ठीक है, यही जो लेक्चरशिप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के जूनियर रिसर्च फेलोशिप के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एनटीए करता है यूजीसी नेट की। तो एनटीए यूजीसी नेट का मतलब ये हुआ कि वो एजेंसी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगते हैं, ठीक है, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम सब इनका है। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए फॉर यूजीसी नेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एनटीए की, सेम वही है कि प्रॉपरली बिना कोई प्रॉब्लम के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इसके बाद ये कुछ डेट्स हैं जो 2020 का जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट्स हैं। ये डेट्स आप देख सकते हैं वहाँ पे, कि क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डेट भी एक्सटेंड हुई है, और अभी एग्जैक्ट डेट एग्ज़ाम की कब होनी है ये भी अभी पता नहीं है। क्योंकि वो कब पता होगा कि इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि वो कब पता होगा, 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है, उसके बाद ही पता चल पाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये भी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, या किसके लिए, कि जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए या अपने मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में होना चाहिए, तभी वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें कभी एक बार मेरे को किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कोई बच्चा मास्टर डिग्री फाइनल ईयर में है और नेट का एग्ज़ाम देता है और वो नेट निकाल दिया लेकिन वो फेल हो गया, तब क्या होगा। तो वो उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि 2 साल तक आपको अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। जैसे यूजीसी सिर्फ जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के द्वारा फॉर्म
आपका एडमिट कार्ड आता है वहाँ पे। मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन में हूँ, बीएससी या बीए में हूँ, मैं तब भी नेट का एग्ज़ाम भर सकता हूँ गलत सर्टिफिकेट कुछ ऐसे लगाकर, लेकिन मेरे नेट के सर्टिफिकेट, मैं नेट भी निकाल दिया लेकिन नेट के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी, जेआरएफ के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब देखिए एज लिमिट, अगला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि कोई बच्चा जब भी फॉर्म फिल करता है कि क्या मैं जेआरएफ के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसके लिए सबसे ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा जो मास्टर डिग्री में पढ़ रहा है वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों एक साथ कब अप्लाई कर सकता है, जब वो 1 जून 2020 को 30 साल से नीचे का है। अगर वो 30 साल से ऊपर का है तो वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का ही फॉर्म फिल कर सकता है। नीचे लिखा भी हुआ है, देखो जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एज लिमिट कितनी है, 30 ईयर्स। ये जनरल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर एज लिमिट। अब अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, क्या एज का कोई रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी किसी और कैंडिडेट्स के लिए है? बिल्कुल है। देखिए इसमें आप यहाँ पे फोटोग्राफ देखेंगे तो फोटोग्राफ में आपको दिखेगा, मैं एक सेकेंड इसका मैं यहाँ पर ये ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये जितनी कैटेगरी है ये सब की सब कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन कितना है, 5 ईयर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, वीमेन कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग पर्सन है, या ट्रांसजेंडर, अभी नई कैटेगरी जुड़ी है ट्रांसजेंडर, तो इन सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। किसके लिए, जेआरएफ के लिए। जनरल के लिए 30 ईयर था, अब यहाँ 35 ईयर है। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस, जैसे रिसर्च एसोसिएट किसी प्रोजेक्ट पर, रिसर्च एसोसिएट या पोस्ट डॉक्टरेट करके जो रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है, उसके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब देखिए इसमें है, कैंडिडेट पजेसिंग एलएलएम डिग्री 3 साल का, कैंडिडेट हु हैव सर्वड इन आर्म फोर्सेस 5 साल का। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें, व्हाट आर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अभी तो एज की बात हो रही थी, अब आती है यहाँ पे कि जो मास्टर डिग्री अपेयरिंग या मास्टर डिग्री कंप्लीटेड बच्चा जो इसको अप्लाई करेगा उसके परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। जितने भी देखिए जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर देयर पीजी फाइनल, मतलब फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी नेट का एग्ज़ाम, नेट का फॉर्म फिल कर सकता है, उसके मिनिमम 55% मार्क्स उसके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। एस सी एस टी ओ बी सी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर, ठीक है, इनके लिए 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी मिनिमम। और जो पी एच डी डिग्री होल्डर हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कम्प्लीटेड इन 1991, ठीक है, 1991 से पहले जिसका मास्टर्स डिग्री हो चुका था, उनको 50% मार्क्स की उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है। अब नेक्स्ट है, इज देयर एनी एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब एग्जेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, बिल्कुल है एग्जेम्पशंस। कोई कैंडिडेट जैसे यूजीसी का रेगुलेशन 2009 में जो आया था पीएचडी का, उस रेगुलेशन से पहले किसी स्टूडेंट ने, किसी इंडिविजुअल ने अगर अपनी पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो वो नेट से एग्जेम्प्टेड है, मतलब बिना नेट के भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए वहाँ पे। अदरवाइज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी नेट ही है। दूसरा क्या है, सेट, सेट कैंडिडेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट को बोलते हैं स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव क्लियर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्रीडेटेड बाय यूजीसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हैड प्रायर टू 2002 से पहले अगर किसी स्टेट ने सेट कराया होगा, उसने सेट किया होगा, सेट क्वालिफाई किया होगा, तो वो भी एग्जेप्टेड है, लेकिन उसके अलावा नहीं है। अगला है कि अब एक क्वेश्चन ये आता है, कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में मैं नेट का
फॉर्म फिल कर सकता हूँ। ऐसे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुछ लोग मास्टर डिग्री 2 या 3 सब्जेक्ट्स में होते हैं, एमए अगर होते हैं तो, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में एक ही सब्जेक्ट में वो नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इज आधार मैंडेटरी, ये फॉर्मेलिटीज़ है कि आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आधार आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब विल द NTA UGC नेट जून 2020 एग्ज़ाम बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन? क्या इस बार जो जून में 2020 में एग्ज़ाम हो रहा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? इस समय एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जब आप एग्ज़ाम देंगे, कंप्यूटर आपके सामने होगा, उसमें पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम में आपको पेपर होना उस समय कंप्यूटर खुलेगा, उसमें आपका पेपर ओपन हो जाएगा, उसमें आपने आंसर्स देने हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। उस आंसर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपको एक बेनिफिट मिला है वहाँ पर, जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं। हाउ विल वन नो द रिजल्ट ऑफ NTA UGC नेट जून 2020 एग्ज़ाम? UGC नेट का जो भी रिजल्ट है वो वेबसाइट में, जो ये वेबसाइट लिखी हुई है उसमें अपने आप आ जाएगा। 5 जुलाई इसकी पहले टेंटेटिव डेट थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से अभी एग्ज़ाम कब होगा ये किसी को नहीं पता, 15 को ही पता चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द रिजल्ट अवार्ड ऑफ NTA UGC नेट जून 2020 एग्ज़ाम भी वैलिड फॉर JRF? अब ये ध्यान रखिए कि जो मान लीजिए जून में किसी ने एग्ज़ाम दिया और उसका JRF निकल गया, तो वो JRF के सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है टोटल 3 साल। मतलब जिस दिन JRF का सर्टिफिकेट अवार्ड लेटर इशू हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर उसने MPhil या PhD में इनरोलमेंट अपना करा लेना, तभी उसको फेलोशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं। JRF जिस दिन अवार्ड हुआ उसके 4 साल बाद वो अगर MPhil या PhD इनरोल कराता है तो उसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वेयर विल द नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट गेट ई सर्टिफिकेट? ई सर्टिफिकेट के लिए भी आपको वेबसाइट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वो ई सर्टिफिकेट आपको इशू करेगी NTA की वेबसाइट, और तभी आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। अगला इसमें है, अब आता है NTUC नेट 2019 सिलेक्शन। अब 2009 की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, वही चलेगी नॉर्मल, उसमें भी यहाँ पे भी वही चलेगी इस समय। तो देखो इसमें ये बता रखा है कि लगभग 2000 UGC नेट दिसंबर 2018 में जो कंडक्ट हुआ था उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए थे, जिसमें से 6.5% मतलब 6.5% लोग ने ही, जो उसका कट ऑफ था उसको ऊपर कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लिए थे और नेट क्वालिफाई किया। तो देखिए 7 लाख में से सिर्फ 6.5%, बहुत कम परसेंट हो रहे हैं, तो मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें आपको। अब ये इस बार का पैटर्न है, UGC नेट एग्ज़ाम पैटर्न हाईलाइट। सोर्स कहाँ से मैंने फ़ोटो लिए वो भी मैंने सोर्स दिया हुआ है आपको। सबसे पहले UGC नेट में अब 2020 में दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो जनरल पेपर होता है, उस सब सब्जेक्ट के लिए एक ही पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट का, जो आपकी डोमेन नॉलेज को, सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करेगा। दोनों ऑनलाइन टाइप के हैं वहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके ये देखिए, टोटल ड्यूरेशन है 3 घंटे। ये देखिए टोटल ड्यूरेशन 3 3 घंटा, मतलब आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका अलग आवर्स है, सेकंड पेपर है उसके अलग आवर्स है। अब कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, ये जो फर्स्ट पेपर है, ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर है, ये सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन रहेगा, उसमें कोई अलग नहीं होगा। वो उसके कोड अलग होते हैं कि XYZ PQR ऐसे है ना, ABCD कोड अलग होते हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये सब्जेक्ट वाला है, देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे इसमें आपकी डोमेन नॉलेज को चेक करने के लिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में भर रहे हैं तो आपकी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से आएंगे वहाँ पे। MCQ टाइप के होंगे दोनों। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ का मतलब हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा वहाँ पे, ठीक है। जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना सही होगा। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 2 नंबर, तो 50 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए 100, और 100 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए 200, तो टोटल कितने हो गए 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये ध्यान रखिएगा,
हर पेपर देखिए, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे, निगेटिव मार्क नहीं है इसमें, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं वहाँ पर। मैं बदल देता हूँ दूसरा। अब ये अगला है UGC। अब देखिए इसमें डायग्राम में दिखा रखा है NTU UGC नेट जून 2020 एग्जाम पैटर्न, सिंगल नो ब्रेक बिटवीन, ये देखिए लिखा हुआ है सिंगल नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट टोटल क्वेश्चन होंगे 50, पर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 2, तो टोटल मार्क्स होंगे 100। कितनी देर में करने हैं आपको? 1 घंटे में। उसके तुरंत बाद आपको सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव मिल वाला मिल जाएगा, सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा, टोटल 200 मार्क्स, और ये 2 घंटे में करने हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपने करने हैं, जिसके मार्क्स होंगे 300, और 3 घंटे में कंप्लीट करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में। अब नेक्स्ट है द पेपर फर्स्ट द क्वेश्चन विल बी जेनरिक इन नेचर। फर्स्ट जो फर्स्ट पेपर है मेनली, फर्स्ट पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और फर्स्ट पेपर का एक सिलेबस UGC की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, उसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, देखिए ये टोटल 10 यूनिट दे रखी है यहाँ पे डायग्राम में। यहाँ पे ये देखिए कि सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो चीज़ें बता रखी हैं, ये 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे जाएंगे, ये खाली टेंटेटिव बता रखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आपको यही, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जितना मैंने नेट के एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि मैं 2008 से 12 तक मैंने एग्ज़ाम दिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देता रहता था, क्योंकि मैं तैयारी कराता था, तो मैंने ये देखा, और बाद में भी मैंने पेपर देखे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग पहला, रीजनिंग दूसरा, डाटा इंटरप्रिटेशन तीसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड चौथा, और टीचिंग एप्टीट्यूड पांचवा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इनमें इनसे होते हैं। जैसे बहुत कभी कभी क्या होता है, ये 5-5 तो बता रखे, लेकिन कभी कभी हायर एजुकेशन से कम क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, इन्वायरमेंट से कम हो जाते हैं, कंप्यूटर से कम हो जाते हैं, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो 1 से लेके 7 तक जो यूनिट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब फर्स्ट पेपर की तैयारी देखिएगा, हमेशा फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, विदाउट प्रैक्टिस आप फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी तब मुझे ये सारी यूनिट पूरी आती थी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस छूटी, मैं सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया, तो मैं इन चीज़ों को भूलता गया। मैं जैसे मैंने ये पढ़ाता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि इसमें ये जो रीजनिंग है, क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। ठीक है, तो ये टोटल 10 यूनिट दे रखी है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे, हर यूनिट के लिए आपको अलग अलग टेंटेटिव क्वेश्चन ये दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला है ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव मार्किंग नहीं, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब ये सिलेबस है इसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये आपको UGC नेट की वेबसाइट में भी मिल जाएगा, वहाँ भी UGC की वेबसाइट में फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एजुकेशन वालों को बेनिफिट कहाँ होगा, बेनिफिट होगा फिजिकल एजुकेशन वाले ने ये चीज़ भी पढ़ रखी है और ये चीज़ भी पढ़ रखी, मास्टर्स में पढ़ते हैं वो, तो इसमें रिसर्च सेम ही है जो आप पढ़ते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं, बस ये कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिसर्च पढ़ते हैं, यहाँ पे जनरल रिसर्च हो जाएगी, लेकिन सेम चीज़ ही पूछी जाएगी, टाइप्स ऑफ रिसर्च सेम ही होंगे जो आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, एजुकेशन में पढ़ते हैं, जो यहाँ पढ़ेंगे सेम, टीचिंग एप्टीट्यूड भी सेम होगा वहाँ पर। ये देखिए यूनिट है कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ICA कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं ये वाले, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और ये हायर एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कैसे होता है इस सिलेक्शन, एक ये जो नीचे वेबसाइट दी है इन्हीं के थ्रू ये मैंने चेक किया था कि लगभग द कैंडिडेट को उसमें दे रखा है कि कैसे सिलेक्शन होता है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जो इंडिविजुअल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको एग्रीगेट अपने दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाने हैं, 40%
40% मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो नेट क्वालिफाई करेगा, 40% मार्क्स लाने का मतलब ये है कि वो एलिजिबल हो जाएगा मेरिट में आने के लिए, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी आएगी वो 40% मार्क्स इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर, एंड एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स इसको लाने हैं, SC ST OBC कैटेगरी वाले जो हैं उनको लाने हैं वहाँ पर, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर या JRA के लिए आपको इसे मेरिट में आने के लिए। दूसरा स्टेप क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शुड बी इक्वल टू 6% ऑफ द टोटल कैंडिडेट अपेयर इन बोथ पेपर्स। टोटल कैंडिडेट जो दोनों पेपर में अपेयर हुए हैं उसका 6% से ज़्यादा जो आप नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट के क्या बोलते हैं बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा 6% से ज़्यादा टोटल जितने उसमें फर्स्ट और सेकेंड पेपर में बैठे हुए हैं। ऐसे JRA के लिए कितना है, टोटल कैंडिडेट जितने अपेयर हुए हैं एग्जाम में उसका 1% जो बच्चे होंगे उनको ही JRA दिया जाएगा। इसलिए जो JRA और नेट का क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं है, वो कम बढ़ता रहता है। देखिए आपने पिछले साल भी देखा होगा, मैं पिछले 2-3 साल के रिजल्ट देखे मैंने, 70, 65, 68, 70% में JRA निकल जा रहा था और 60, 58, 55% में नेट क्वालिफाई हो जा रहा था, जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब अगर आप 70% भी एग्ज़ाम में कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे, 70% में आया था, तो आप JRA क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो JRA है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट क्या है स्कॉलरशिप देती है आप लोगों को, तो उसने 1% अप्रोक्सीमेटली रखा है टोटल कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं उसके 1%। मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे अपेयर होते हैं तो उनमें से सिर्फ 1% कितना हुआ, एक बच्चे को ही नेट का OJR अवार्ड होगी, ठीक है? अभी कुछ बुक्स हैं कि मैंने वेबसाइट से निकाली है, देखिए बुक्स जो है फर्स्ट पेपर के लिए, सब सारी बुक्स किसी भी ऑथर की ले लीजिए, सब बुक्स में मैटर सेम लिखा रहता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप फर्स्ट पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये कुछ बुक्स के मैंने नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, बुक्स सब में मैटर एक ही होता है, किसी भी बुक में अलग मैटर नहीं होता है, तो आप इसमें बुक्स के नाम भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आज का मेरे वीडियो यहीं तक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। अगर कोई भी क्वेरीज इस वीडियो से रिलेटेड आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और आप मुझे ये भी सजेशन दीजिएगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि मुझे अब नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से रिलेटेड बनाना चाहिए। अभी मैं सेकेंड वीडियो फिजिकल एजुकेशन के नेट के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में फिर आप सब्जेक्ट मैटर को पकड़ूंगा। अब जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।